झाबुआ के नए विधायक कांतिलाल भूरिया को उपचुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद कमलनाथ सरकार के मंत्री फूले नहीं समा रहे हैं। इस क्रम में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि झाबुआ में कमलनाथ सरकार का जादू चला है। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में झाबुआ उपचुनाव को बड़ा जो है प्रतिष्ठा का प्रश्न माना जाता है, वहाँ पर कमलनाथ सरकार का जादू चला है और हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सम्मानित श्री तुलसी सिलावट जी। सीधी बात करते हैं माननीय मंत्री जी, किस तरह से पूरी मेहनत कांग्रेस ने की थी और कैसे जीते आप? आप जानते हैं कि ये 9 महीने की सरकार में 100 दिन आचार संहिता के निकल गए, मात्र 7 महीने के अंदर जो वचन कांग्रेस ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता को दिए थे उनको पूरा करने का प्रयास किया गया था। आपको याद है कि वर्षों से जो आदिवासी हमारी मध्य प्रदेश की आत्मा है, ऊर्जा है, आत्मविश्वास है, इनके कई वर्षों से एक परंपरा चली आ रही थी जो गिर में रखते थे कड़ा हसली। हमारी सरकार ने उनके सारे कर्ज माफ, मध्य प्रदेश के झाबुआ के नहीं, सारे 20 जिलों के जहां आदिवासी जिले हैं वो सबके माफ किए। उसका प्रभाव पड़ा कि इसी के साथ जो गमी हो जाती है, दुख हो जाता है, खुशी हो जाती है, उसको अनाज देने की बात की, बर्तन देने की बात की, ये चुनाव के पहले। पर मैंने बोला ना कि जो कांग्रेस बोलती वो करती है, और कांग्रेस ने, क्योंकि आप जानते हैं आदिवासी के लिए इंदिरा गांधी जी के ज़माने से, राजू जी के ज़माने से, राहुल गांधी जी, खुद सोनिया जी और अभी कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह, ज्योतिराय सिंधिया जी ने, सबने जो है कि समाज का विकास, मध्य प्रदेश का समस्त जिले का विकास तभी संभव है कि झाबुआ का विकास हो, झाबुआ के साथ समग्र मध्य प्रदेश का विकास होगा। ये नारा विकास की गंगा झाबुआ से चलेगी मध्य प्रदेश के हर कोने में, इसका प्रभाव पड़ा। कहा जा रहा है कि कमलनाथ जी ने पूरा मैनेजमेंट देखा, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया झाबुआ चुनाव में नहीं गए, क्या कारण? कोई कारण नहीं था, वो महाराष्ट्र की जिम्मेदारी थी, इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे खुद ने कहा था कि 2 दिन अपन चलेंगे। मैंने इस संबंध में अभी जो हमारे सम्माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, अब हमारे सम्माननीय विधायक, उनसे मैंने चर्चा भी की थी, उन्होंने कहा भी था कि वो महाराष्ट्र में व्यस्त है। भाई तुलसी सिलावट भी तो था। बीजेपी ऐसा कह रही है कि अब कांतिलाल भूरिया जी के रूप में आदिवासी चेहरा कांग्रेस को मिल गया, हो सकता है कि अगले वो मुख्यमंत्री हों, उनके बीजेपी के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी की टिप्पणी पे मैं कभी टिप्पणी करता नहीं, क्योंकि कांग्रेस का निर्णय बीजेपी करेगी है तो मैं सोच नहीं सकता, ये मध्य प्रदेश में कोई भी नहीं सोच सकता। मध्य प्रदेश में इतने बड़े बड़े लीडर हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं, कमलनाथ जी को देख लो, दिग्विजय सिंह जी को देख लो, ज्योतिराय सिंधिया जी को देख लो, कांतिलाल भूरिया जी को देख लो, अरुण यादव जी को देख लो, राहुल भैया को देख लो, सुन लो आप पचौरी जी को देख लो, कितने कितने बड़े लीडर हमारी श्रृंखला है। और भाजपा के ऊपर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, पर मैं भाजपा कोई पता है कि मैं भाजपा के लिए कौन मुख्यमंत्री बने, कौन भाजपा का अध्यक्ष बने, तुलसी सिलावट टिप्पणी करने शोभा ही देता है। भूरिया जी क्या मंत्री बनेंगे, हम आपकी टीम में शामिल होंगे, कमलनाथ जी की कैबिनेट में शामिल होंगे, ऐसी उम्मीदें हैं? आप जानते हैं भूरिया जी बहुत सीनियर आदिवासी वरिष्ठ नेता हैं, मैं इनके लिए बोलना मेरा उचित नहीं रहेगा, ये इतने वरिष्ठ नेता के लिए मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। अच्छा, आपने भी झाबुआ में बहुत समय बिताया, लोगों के बीच गए, चौपाले लगाई, इसका श्रेय किसे देते हैं? झाबुआ की जीत का पहला श्रेय किसे देते हैं? पूरी सरकार को, पूरी कांग्रेस को, और जो कांग्रेस का वर्कर जो झंडा लेकर 15 वर्षों से संघर्ष कर रहा था, उन्हीं के कारण पूरी सरकार बनी, कमलनाथ जी के कारण, दिग्विजय सिंह जी के कारण, ज्योतिराय सिंधिया जी के कारण, और जो मध्य प्रदेश के सारे वरिष्ठ नेता हैं उन सब के कारण मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी। ये एकजुटता का परिणाम है कि उसका झाबुआ पे भी प्रभाव पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपसे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से एक आम कांग्रेसी घरों से निकला, झंडा लेकर उसने मैदान संभाला, उसके बाद झाबुआ का रण जो है कांग्रेस ने जीता है और कांतिलाल भूरिया के रूप में झाबुआ क्षेत्र को एक नया विधायक मिला है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट राकेश राठौर के साथ महेंद्र सिंह, MP News, इंदौर।